मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स हैव बुक द डेमो एट द हिंदू जोन डॉट कॉम विच इज़ अ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म ऑन विच यू नीड टू बुक द डेमो ओनली थ्रू द हिंदू जोन डॉट कॉम विच इज़ द वेरीफाइड प्लेटफॉर्म. यू नो दैट लॉट ऑफ स्कैम्स आर गोइंग ऑन. देर आर द टाइम्स वैन कोचिंग्स आर ओपन एंड देन द कोचिंग्स आर ऑफ एंड यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस. दिस इज द ओनली रीजन स्टूडेंट्स मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स हैव बुक द कोचिंग डेमो विद द हिंदू जोन डॉट कॉम. Call at the given number 0880022228 at thehinduzone.com. Speak with the psychologist counselor at thehinduzone.com and book your demo now in the verified coaching only. Don't get into the false trap. Choose the right coaching. The Hindu Zone. हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली इन्फॉर्मेशनल वीडियो. साथ ही हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं डिफरेंट कोचिंग्स के बारे में, फिर चाहे वो आपके स्टेट की हो या ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट कोचिंग हो. यहां हम डिस्कस करते हैं उन पर्टिकुलर कोचिंग्स के रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ के बारे में और पूरी एक इन्फॉर्मेशन आपको उस कोचिंग के बारे में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप आने वाली प्रिपरेशन के टाइम अपने लिए सही डिसीजन ले सको. आपको किस कोचिंग में जाना है, कोचिंग में जाना है या नहीं, ये सारे डिसीजन आप खुद से ले सको. बताना चाहूँगी हिंदू जोन के बारे में. हिंदू जोन हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है. द हिंदू जोन डॉट कॉम पर जाकर आप खुद की डेमो क्लासेस विद इन कोचिंग बुक करा सकते हैं. अभी तक ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी डेमो क्लासेस विद इन कोचिंग बुक करा सकते हैं, करा चुके हैं द हिंदू जोन डॉट कॉम पर. सो आप भी फटाफट कीजिए और विदाउट एनी फर्दर डिले डेमो क्लास बुक कीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द टेस्ट सीरीज टू कम्प्लीट योर प्रिपरेशन. So if you want to take the test series, these are the tested platform where from where you need to take the test series, because the content and the quality questions on these platform are very much up to date and are from different resources across pan India basis. So if you are preparing for UPSC examination, these are the platform: Examophobia, Online Khan Market, The Hindu Zone, Mrunal.app, Plutus IAS, Yojana IAS. Especially the test series of Plutus IAS is very good and best in the market for UPSC examination preparation, followed by Yojana IAS coaching institution. The test series in Plutus IAS and Yojana IAS are which is Delhi based IAS coaching institute. The test series at these center are from different topmost coachings across India, including Delhi. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर अगर हम अगले साल प्रीलिम देने जा रहे हैं तो हमें कितने साल का मिनिमम करंट अफेयर पढ़ के जाना है. वैसे तो देखिए, करंट अफेयर का जो एरिया है, जो पोर्शन है, वो बहुत ही वास्ट है. आपके पास स्टैटिक करंट अफेयर्स भी आते हैं, कई बार आपको डायनामिक और स्टैटिक दोनों ही से रिलेट करके आपको आंसर अपना देना होता है, आपको जवाब देना होता है. मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको ऐसा करना होता है. तो कई बार इसमें जो करंट अफेयर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. लेकिन अगर सिर्फ हम प्रीलिम की बात करें तो उसमें आपको कम से कम कितने साल का या कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी. क्योंकि मेंस की बात अगर हम करते हैं तो मेंस में एरिया बहुत वास्ट होता है. अगर हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो हमको विमेन से रिलेटेड पुराने जो एक्ट हैं वो भी उसमें देने होते हैं. जो अभी कुछ नए टाइम पे कुछ अगर संशोधन हुए हैं तो वो भी हमको चीज़ें बतानी होती हैं. तो कहीं ना कहीं पुराना और नया सब आपको मिक्सअप करना होता है अगर आप मेन साइंस राइटिंग कर रहे हो. बट पर्टिकुलरली अगर हम प्रीलिम की बात करें तो प्रीलिम में आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो करंट अफेयर के लिए, थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो. वो कैसे और कितना आप पढ़ोगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें. To complete your examination preparation, notes are very, very important. And if you want genuine note and genuine study material, then you should definitely visit onlinekhanmarket.com. At this platform, you will be getting best consolidated notes, updated notes of any exam of any coaching. Download notes now. तो स्टूडेंट, प्रीलिम में ज़्यादातर जो करंट अफेयर का पोर्शन आता है वो करंट ही होता है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम का ही होता है. हो सकता है कोई पुराना मुद्दा ऐसा रहा हो जो अभी फिर से चर्चा में आया है, न्यूज़ में आया है, तो उससे रिलेटेड आपको पुराने जो उसके रहे हैं चीज़ें या पुराने जो उसका कंटेंट है वो आपको पढ़ना ज़रूर पड़ता है. बट मेनली आपसे वही पूछा जाएगा जो अभी के टाइम पर करंट चल रहा है, स्पेशली प्रीलिम की मैं बात कर रही हूँ. सो कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको इसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आंसर क्वेश्चन आंसर बनाता है.
तो कहीं ना कहीं प्रिलिम अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम 2 या 1 साल का करंट अफेयर आप पढ़ के जाइए। और मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो कम से कम 2 साल का आप पढ़ के जाइए ही जाइए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 2 साल के अंदर से आते ही आते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। साथ ही जो भी आप पढ़ें नोट्स, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ें न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं या कहीं किसी और साइट से पढ़ रहे हैं, तो उसको ज़रूर उनके नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि क्योंकि इतने करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है, हर दिन का करंट अफेयर आता है, तो सब कुछ तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लिंक्ड अप करना भी मुश्किल हो जाता है। तो नोट्स बनाइए प्रॉपर और फिर अपने एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन को बहुत ही अच्छा करके आइए। लुकिंग फॉर द रैंकिंग ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट और यू आर इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन योर सिटी, ऑलवेज चेक द रैंकिंग एट institute-rank.com, blog.oureducation.in, bestcoaching.app, onlinekhanmarket.com, thehinduzone.com. The verified and best coaching institute with the best track record are listed at these platform only. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पता लगे, इस चैनल के बारे में पता लगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे जो डायरेक्टली आपको UPSC की प्रिपरेशन में या किसी भी प्रिपरेशन को आप कर रहे हो आपको हेल्प करेगा। साथ ही आप कोचिंग के लिए अपना बेहतर डिसीजन आप ले सकें इस चैनल में दिखाए गए वीडियोज़ के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, thehinduzone.com पर अपनी डेमो क्लासेस बुक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।